हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा कॉपर लीफ वाला एक लीफा का प्लांट है और इसको इस तरह से रोज ही पानी डालते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमेशा पानी सूखा ही रहता है। इसे नीचे उतार लेते हैं, कारण कि पानी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता है और इसके पत्ते भी सूखते ही जा रहे और हमेशा ये गमला सूखा ही रहता है, जबकि पानी इसको रोज़ मिलती है। तो इसे गमले से निकाल करके हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वैसे गमले की हमेशा गुराई तो करते रहना चाहिए ताकि रूट को ऑक्सीजन मिलता रहे, और करते भी हैं, लेकिन फिर भी ये गमला हमेशा ही सूखा ही रहता है। तो इसको मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, ऐसे तो नहीं निकला, लेकिन इस तरह से टैप करने से निकलता है। तो ये इसकी कंडीशन है प्लांट की। गमले में जो कपड़े लगाए थे और इस तरह से इसकी मट्टी फ्रेंड्स रूट तक पहुंच ही नहीं रही है, आप देख सकते हैं पूरा सूखा पड़ा है कहीं से भी। तो हर तरफ से इसकी मैं थोड़ी सी कटाई छटाई करती हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा देर रुकती हूँ रोक करके और हर तरफ से इसकी कटाई करती हूँ ताकि ठीक से इसको पानी और ऑक्सीजन मिल सके, इसके रूट तक पहुँच सके। ये इस तरह से रूट बॉन्ड हुआ है, ये कहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से मैंने इसके सारे रूट बॉल को खोल करके इसके हार्ड मट्टी को निकाल दिया और अब ये इसी गमले में ये कपड़े डालने के बाद थोड़े से ये थर्माकोल के टुकड़े डाल दे रहे हैं ताकि ड्रेनेज से पानी निकलता रहे, और ये नारियल के छिलके, उसके बाद ये मट्टी, थोड़े से ये सूखे पत्ते डाल दे रहे हैं। ये परमानेंट प्लांट है तो सब इसी में डिकम्पोज हो जाएगा, और ऊपर से मिट्टी डाल दे रहे हैं और फिर इस तरह से इसके सूखे पत्ते को निकाल कर इस प्लांट को रख करके तरफ से मिट्टी भर देंगे। और इस तरह से पूरी मिट्टी को भर दिया सूखे पत्ते को भी निकाल देंगे। तो ओके बाय फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया और अब इसमें पानी डाल देंगे। ओके बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके बाय।